हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पोर्टेबल डोर। कहानी की शुरुआत में हमें पॉल नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका आज एक कंपनी में इंटरव्यू होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से ही उसके साथ उल्टी सीधी चीजें हो रही होती हैं। कभी उसका कोई सामान खो जाता है तो कभी उसका जूता फट जाता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे इस इंटरव्यू को देने से रोक रहा हो। जिस कैफे में पॉल इंटरव्यू देने जाता है उसमें काफी भीड़ होती है। वो कैफे की लाइन में जाकर लग जाता है, पर तभी मॉन्टी नाम का एक आदमी आकर पॉल से बातें करने लगता है। वो उसका प्रोफेसर है, वो उसे पहले पढ़ाया करता था, पर पॉल को उस आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखकर उसको थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वो आदमी पॉल से दोबारा मिलने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। पर अब तक कैफे के आगे बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। पॉल जैसे ही दोबारा लाइन में जाकर लगता है तभी एक डॉग उसके हाथ से उसका स्कार्फ छीनकर भाग जाता है। पॉल काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक गली में जाकर वो डॉग गायब हो जाता है, जहां पर एक दुकान में जॉब इंटरव्यू के बारे में लिखा होता है। पॉल उस दुकान के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक सोफी नाम की लड़की बैठी हुई दिखती है। पॉल उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती है। तभी अंदर से डेनिस नाम का एक शख्स आता है, जो पॉल का नाम लेकर उसे अंदर इंटरव्यू के लिए आने को कहता है, जो पॉल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो तो पहली बार यहाँ पर आया था और उन्हें इसका नाम कैसे पता। इन बातों को छोड़कर पॉल फिर भी अंदर चला जाता है, जहां अंदर कंपनी के सारे हेड मेंबर्स होते हैं। कंपनी का ओनर हम्फ्रे वेल्स पॉल से पूछता है कि तुम इस कंपनी में इंटरव्यू देने क्यों आए हो, जिस पर पॉल बोलता है कि मैं यहां सिर्फ इत्तेफाक से आया हूं। आज सुबह मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से मेरी बस छूट गई और जहां मुझे इंटरव्यू देने जाना था वहां बहुत भीड़ थी। तभी एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर भाग गया, जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। ये सब सुनकर कंपनी का ओनर वेल्स हैरान हो जाता है। बातें करते हुए पॉल बार बार वहाँ की एक दीवार को देख रहा होता है, जिस पर वेल्स उससे पूछता है कि तुम उधर क्या देख रहे हो। पॉल बोलता है कि उस दीवार पर जो क्रैक है उन पर लंदन का मैप बना हुआ है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग शॉक रह जाते हैं। डेनिस पॉल को वहाँ से उठाकर बाहर ले जाता है और कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो। पॉल समझ गया था कि उसको ये जॉब नहीं मिलेगी। पॉल वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो डॉग उसे उसका स्कार्फ भी वापस कर देता है। उधर पॉल जब अपने घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसका रूममेट रूम छोड़कर यहाँ से जा रहा है। ये जानकर पॉल परेशान हो जाता है, क्योंकि अब रूम का सारा रेंट उसको ही पे करना होगा। वो ये सब बातें अपने रूममेट से कर ही रहा होता है कि तभी एक लेटर हवा में उड़ता हुआ पॉल के घर पर आता है, जिस पर ये लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे अपनी कंपनी में जॉब पर रख लिया है। उस लेटर को देखकर पॉल बहुत खुश हो जाता है। अगले सुबह पॉल सूट बूट पहनकर उस कंपनी में पहुंच जाता है, जहां रिसेप्शन पर एक लेडी रोजी बैठी होती है। तभी वहां डेनिस आकर पॉल को उसका काम दिखाने ले जाता है, पर पॉल बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कंपनी क्या करती है। डेनिस उसको एक रूम में छोड़ जाता है, जहां पहले से ही सोफी मौजूद है, यानी उन्होंने उसको भी काम पर रख लिया था। पॉल के हाथ में कॉफी होती है, जिसे देखकर सोफी उससे कहती है कि मुझे कॉफी और चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इसे फेंक दो। लेकिन अभी भी पॉल को ये नहीं पता चला था कि उसे असल में यहाँ काम क्या करना है, जिसके बाद पॉल सोफी से इस कंपनी के बारे में पूछने लगता है कि हमें यहाँ पर क्या काम करना है, जिस पर सोफी उसे चुप होने को कहती है क्योंकि उसका मूड खराब था। तभी रोजी उन दोनों को काफी सारे मैप्स लाकर देती है और उनसे उन मैप्स में उन जगह को ढूंढने के लिए कहती है जहाँ बॉक्साइट हो सकता है। सोफी और पॉल दोनों ही उन मैप्स में बॉक्साइट को ढूंढने लग जाते हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें बॉक्साइट की कोई लोकेशन नहीं मिलती। अब लंच ब्रेक में कंपनी के हेड मेंबर काउंटेस जूडी उन दोनों को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है, जहां वो सोफी को एक लड़की दिखाती है जो बुक पढ़ रही थी। जूड सोफी से कहती है कि तुम्हें दूर से ही खड़े होकर उस लड़की की बुक और उसके माइंड को पढ़ना होगा, और जब उस लड़की का बुक का कैरेक्टर पानी में गिर जाए तो मुझे बता देना। जिस पर सोफी कहती है कि इतने दूर से उसकी बुक मैं कैसे पढ़ूंगी, जिस पर जूड उसको भरोसा दिलाती है कि तुम ये कर लोगी, जिसके बाद जूड खुद उस लड़की के सामने जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ मौजूद एक फाउंटेन के पास आकर एक लड़का भी बैठ जाता है। अब काफी ध्यान लगाने के बाद सोफी उस लड़की का दिमाग और उसकी बुक को साफ पढ़ने लगती है,
और जैसे ही उस बुक का मेन कैरेक्टर पानी में गिरता है वो जूड को बता देती है। तभी जूड फाउंटेन के पास बैठे उस आदमी को पानी में गिरा देती है। वो लड़की उस लड़के की हेल्प करने आती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इन सब के बाद जूड उन दोनों को बताती है कि वो कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम करती है और उस लड़की के पेरेंट्स ने हमें काफी पैसे दिए हैं ताकि हम उस लड़की को उस लड़के से मिलवा सके। हमारी कंपनी इसी तरह से काम करती है, जिसके साथ वो सोफी को बताती है कि तुम एक शेयर हो, तुम किसी का भी माइंड पढ़ सकती हो, इसलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है और तुम मेरे डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सोफी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। असल में ये कंपनी एक जादुई कंपनी होती है जिसमें इंसानों के साथ गोब्लिन विच जादूगर भी काम करते हैं। अब पॉल वापस जाकर मैप में बॉक्साइट को ढूंढने लगता है, जिसको देखकर कंपनी का ओनर वेल से आकर कहता है कि तुम ऐसे कभी भी बॉक्साइट नहीं ढूंढ पाओगे, तुम्हें अपना हाथ सिर्फ मैप के ऊपर घुमाना है और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि बॉक्साइट की लोकेशन कहाँ है। पॉल वैसा ही करता है और जैसे ही उस मैप के ऊपर वो अपना हाथ घुमाता है, उसे उन लोकेशंस पर शॉक लगने लगता है जिन लोकेशंस पर बॉक्साइट होता है। वेल्स उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ जाते जाते पॉल उससे पूछता है कि आप लोग इस कंपनी में क्या काम करते हो, जिस पर वेल्स उसे कहता है कि हम इंसानों की गट फीलिंग्स को बदलने का काम करते हैं, जैसे कि लोगों को प्यार में पड़ाना, उनका डिवोर्स कराना और ग्रेविटी इंजन की खोज करना। ऑफिस में जाकर वेल्स पॉल से कहता है कि तुम एक डिवेनर हो, तुम अपनी आंखों से किसी भी छुपी हुई चीज को ढूंढ सकते हो जिसे कोई और नहीं देख सकता, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर गर्व होगा। तभी डेनिस वहां जाता है और कहता है कि नहीं, पॉल के डैड तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, जिस पर वेल्स बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं या फिर नहीं, मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे, उन्होंने बचपन में मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था जिसमें लिखा था कि अगर मैं कभी भी उन्हें धोखा दूंगा तो मेरी सोल उनके पास कैद हो जाएगी, पर अब मेरे डैड यहाँ नहीं है और मैं अब फ्री हूँ। जिसके साथ वेल्स पॉल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहता है जो बहुत कीमती है, उससे हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। वेल्स कहता है कि वो डोर इस बिल्डिंग में ही कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं ढूंढ सकता, उसको तुम ही ढूंढ सकते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर हो, और ध्यान रहे ये बात किसी को पता ना चले। जिसके बाद पॉल उस पोर्टेबल डोर को बिल्डिंग में हर जगह ढूंढने लग जाता है। तभी कंपनी की हेड मेंबर वेन उसके पास आती है, जिसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं। वो पॉल से कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, वेल्स ने तुम्हें कुछ ढूंढने को कहा है क्या? पर पॉल उसको डोर के बारे में कुछ नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात कंपनी का एक और मेंबर पॉल से ये पूछने आता है कि मिस्टर वेल्स ने तुमसे क्या ढूंढने को कहा है। पॉल उसे भी कुछ नहीं बताता, जिस पर वो पॉल का पैर तोड़ देता है और उसके कान लंबे कर देता है, जिससे डरकर आखिर पॉल उसको बता ही देता है कि वेल्स ने उसे एक डोर ढूंढने को कहा है। और तभी पॉल का सपना खुल जाता है। पॉल एक सपना देख रहा होता है, पर असल में ये कोई सपना नहीं था, पर पॉल को तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एक सपना है। अगले दिन कंपनी में जाकर पॉल फिर से उस डोर को ढूंढने लगता है, जहां वो डोर को ढूंढते ढूंढते एक बेसमेंट में चला जाता है। इससे पहले कि वो उस बेसमेंट में कुछ ढूंढ पाता, तभी डेनिस वहां आ जाता है और पॉल से कहता है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यहां से फौरन चले जाओ और दोबारा यहां पर मत आना। उधर दूसरी ओर सोफी भी जूट के साथ कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। वो लोगों को इत्तेफाक से किसी से मिलवाने का काम कर रही थी, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। उसे लगता है कि जैसे कोई और उसके मन को चला रहा हो, इसीलिए वो डेनिस से इस जॉब को छोड़ने के बारे में बहस करने लगती है। पर डेनिस उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है, जो सोफी को अपने साथ नीचे ले जाता है। सोफी नीचे रखी चॉकलेट को खाने लगती है, जिस पर पॉल उसको कहता है कि तुम्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस पर सोफी उसको कहती है कि कल तक पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये मुझे अच्छी लग रही है। सोफी चॉकलेट खा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे वो चॉकलेट बुरी लगने लगती है, जिसके बाद पॉल उसे अपने साथ एक बार में ड्रिंक्स के लिए ले जाता है, जहाँ सोफी उससे कहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कल तक तो मुझे कॉफी और चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन आज मैं उनको काफी आसानी से खा रही हूँ। जिस पर पॉल उसको कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जिस पर सोफी उससे कहती है कि तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रहे हो, उससे थोड़ा संभल के रहना। सोफी उससे कहती है कि मेरी सीनियर जूट बता रही थी कि वेल्स ने काफी समय पहले अपने डैड जोन वेल्स को कहीं गायब कर दिया था और अभी तक उनके गायब होने का किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है। शायद वेल्स और डेनिस मिलकर
कंपनी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों थोड़ा सा तो शॉक्ड हैं, लेकिन अगले दिन पॉल डोर को ढूंढते ढूंढते फिर से उस बेसमेंट में चला जाता है जहां जाने के लिए डेनिस ने उसको मना किया था। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ती है। वो अपनी शक्तियों से समझ जाता है कि ये कोई दीवार नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। वो उस दीवार के अंदर चला जाता है। उस दीवार के अंदर किसी जादूगर का कमरा होता है। पॉल को वहाँ पर कई अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं। वहाँ अजीब से क्रिएचर होते हैं। पॉल को वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ एक स्टेपलर भी दिखाई देता है। लेकिन जब वो अपनी शक्तियों से उस स्टेपलर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई स्टेपलर नहीं है, असल में वो एक गॉब्लिन है। पॉल वहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है जिसे वेल्स ने उसे ढूंढने के लिए कहा था। पॉल डोर को खोलकर गलती से कंपनी के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो डोर एक टावल में बदल जाता है। कंपनी के अंदर एक रूम में मीटिंग चल रही होती है जहां चुपके से पॉल उनकी बातें सुनने लगता है और उसको पता चल जाता है कि कंपनी का ओनर वेल्स कंपनी के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके उनकी सोच, उनकी पसंद, उनकी नफरत, इन सब चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि अगर उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो वो सभी लोगों को अपने हिसाब से चला सके। इस एक्सपेरिमेंट में वेल्स का पहला शिकार सोफी होती है। उसने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था जिसकी वजह से वो सोफी के माइंड को कंट्रोल कर पा रहा था। यही कारण था कि सोफी को अपने अंदर कुछ अजीब से चेंज दिखाई दे रहे थे। अब ये सब बातें जानकर पॉल वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उससे वो दरवाजा दोबारा नहीं खुलता। लेकिन तभी वो टावल के ऊपर लिखे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि डोर को ओपन करने के लिए तुम्हें 3 बार नॉक नॉक बोलना होगा और उस जगह का नाम लेना होगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। पॉल बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो 3 बार नॉक नॉक बोलता है और सुपरमार्केट का नाम लेता है। तभी वो डोर खुल जाता है पर पॉल गलती से सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुंच जाता है। वो जल्दी से वहां से निकलकर सोफी के पास पहुंचता है और उसको सारी बातें बताता है कि तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है जिसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेल्स है, जिसके साथ वो उसे उस डोर के बारे में भी बताता है। डोर को देखकर सोफी बहुत खुश हो जाती है और सारी बातें भूलकर पॉल से कहती है कि इसकी मदद से तो हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए इन सब बातों को भूलकर दुनिया घूमने चलें। पॉल उसकी बात को मान जाता है और वो दोनों साथ में मिलकर पहले पिरामिड्स, स्नो माउंटेन्स, नॉर्दर्न लाइट्स, बीचेस और ना जाने कितनी जगह पर घूमते हैं, जहां एक बीच पर सनसेट देखते हुए वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। पॉल सोफी से पूछता है कि क्या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, क्योंकि मैंने तो नहीं किया। सोफी उसे बताती है कि उसने इस कंपनी में फास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, शायद उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं। जिस पर पॉल कहता है कि इस कंपनी से बाहर निकलने के लिए हमें तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना होगा, जिसके बाद पॉल और सोफी कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने के लिए डोर का इस्तेमाल करके उस कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों को कंपनी में काम करने वाले एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिससे पॉल और सोफी को ये पता चलता है कि वेल्स यहाँ के लोगों की सोल को चुरा रहा है और किसी भी इंसान की सोल को अपने पास कैद करने के लिए आपको उस इंसान के कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करना होगा, जिसके साथ उनको ये भी पता चल जाता है कि सोफी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था वो कोई फास्ट ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो तो उनकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसको वेल्स ने बैंक ऑफ डेड में जमा कर दिया है। वो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर डेनिस दिखाई देता है। वो उन गॉब्लिन्स के बारे में उसे बताने लगते हैं पर उन्हें पता चल जाता है कि डेनिस भी एक गॉब्लिन ही है। तभी वहाँ पर वेल्स आ जाता है और वेल्स और डेनिस की किसी बात पर बहस होने लगती है। उनकी इस बहस का फायदा उठाकर पॉल और सोफी पोर्टेबल डोर का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाते हैं, पर गलती से उनसे वो डोर ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से वेल्स उस डोर की लोकेशन को बदल देता है और उन्हें नेदर नाम की एक जगह पर भेज देता है जो एक किस्म की जेल होती है। वहाँ पर पॉल और सोफी को एक आदमी मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि वेल्स के डैड जॉन वेल्स हैं। वो उन दोनों को बताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे के शैतानी इरादों का पता चला कि कैसे वो लोगों की सोल चुरा रहा है, तो उसने मुझे यहाँ नेदर में कैद कर दिया और मुझे आज तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिस पर पॉल जोन से कहता है कि आपके पास तो वेल्स का सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने उसे अपने कंट्रोल में क्यों नहीं किया। जिस पर जोन उसको कहता है कि इससे पहले मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा कर पाता उसने मुझे कैद कर दिया, लेकिन अगर हम अभी भी यहाँ से बाहर निकल जाएं
और तुम वेल्स की सोल का कॉन्ट्रैक्ट बैंक ऑफ डेड में जाकर जमा कर दो तो हम अभी भी जीत सकते हैं। ये सुनते ही पॉल अपनी शक्तियों की मदद से नेदर से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढने लगता है और काफी मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार बाहर जाने का दरवाजा मिल ही जाता है, जिसकी मदद से वो सीधा वेल्स की कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां जोन पॉल और सोफी से वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट बैंक ऑफ डेड में ले जाने को कहता है। वो रोजी से भी अपने पति को लाने के लिए कहता है और खुद अपने बेटे वेल्स से लड़ने चला जाता है। वेल्स अपने डैड को देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी डेंजर फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर से हमला करते हैं। वहीं दूसरी ओर पॉल और सोफी को बैंक ऑफ डेड में जाने से रोकने के लिए गॉब्लिन्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी रोजी अपने स्टेपलर को वहां लेकर आती है और उसे जोन की ओर फेंकती है, जिससे जोन उस स्टेपलर में कैद गॉब्लिन को आजाद कर देता है। वो गॉब्लिन उन सभी का लीडर था। वो उन सभी को पीछे हटने को बोलता है। असल में वो गॉब्लिन कोई और नहीं बल्कि रोजी का पति है, जिसे वेल्स ने उस स्टेपलर के अंदर कैद कर दिया था। रोजी भी एक गॉब्लिन ही होती है और डेनिस रोजी और उस गॉब्लिन का बेटा होता है। इतने में ही वेल्स अपने डैड जोन को अपनी शक्तियों से पकड़ लेता है। अब कंपनी के बाकी सभी मेंबर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वो वेल्स को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता। वेल्स पॉल से अपनी सोल का कॉन्ट्रैक्ट वापस देने को कहता है, वरना वो सोफी को जान से मार देगा। पॉल सोफी की जान को बचाने के लिए उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मान जाता है, पर तभी सोफी अपनी शक्तियों से पॉल से बात करती है और कहती है कि पॉल, नेदर से बाहर आने का कोई दरवाजा नहीं था और तुमने वहाँ से बाहर आने का दरवाजा ढूंढा नहीं था, तुमने तो उसको बनाया था। तुम पोर्टेबल डोर बना सकते हो, अपनी शक्तियों पर विश्वास करो। सोफी की बातें सुनकर पॉल अपनी शक्तियों से डोर को बनाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे डोर बन जाते हैं, जिसमें से एक डोर बैंक ऑफ डेड का होता है। वो उस डोर को अपने पास बुलाता है और उसमें कूदकर बैंक ऑफ डेड में पहुंच जाता है, जहां पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है। वो उसे वेल्स की सोल का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और पॉल के ऐसा करते ही उसकी सारी शक्तियां चली जाती हैं। वेल्स के डैड जोन उसे उसी जगह कैद कर देते हैं जहां उसने उन्हें कैद किया था। उधर पॉल भी एक डोर को बनाकर उसकी मदद से वापस वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर सोफी उसको गले लगा लेती है। पॉल सोफी को उसकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है, जिसको वो वेल्स के कॉन्ट्रैक्ट के बदले बैंक ऑफ डेड से वापस ले आया था, जिसके बाद वेल्स के डेड जोन वापस अपनी कंपनी के ओनर बन जाते हैं, जो पॉल और सोफी को कंपनी में काफी ऊंची पोस्ट पर रख लेते हैं। अब मूवी के एंड में पॉल सोफी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, जिस पर सोफी उसको हाँ बोल देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। बाकी अगर आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मूवी के नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उन पर वीडियो बना सके। बाकी आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।